सभी 11th क्लास के कॉमर्स के विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं कि आपने कॉमर्स लिया। आपने कॉमर्स लिए इसके लिए आप वास्तव में ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये आर्थिक युग है और आर्थिक युग में आपको कॉमर्स पढ़ना बहुत जरूरी हो जाएगा। बिना कॉमर्स पढ़े आप आर्थिक युग में कोई भी कार्य नहीं कर सकते। पहले का टाइम में और इस टाइम में बड़ा अंतर है। पहले के टाइम में हम बिना आर्थिक क्रियाओं के भी कार्य कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में हम बिना इसके आर्थिक क्रियाओं के अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। इसलिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं जिन बच्चों ने भी कॉमर्स लिए, और कॉमर्स में अपने आप 5 सब्जेक्ट हैं, पहला हिंदी, इंग्लिश और अकाउंट्स, BST यानी व्यवसायिक संगठन, और अर्थशास्त्र लेते हो तो अर्थशास्त्र या कंप्यूटर लेते हो तो IP ले सकते हो। लेकिन इसमें सबसे जो 5 सब्जेक्टों में सब अपने अपने जगह महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें लेखा शास्त्र है, अकाउंट्स है। क्योंकि और तो जितने भी सब्जेक्ट हैं थ्योरी कर ले आपको हिंदी इंग्लिश, तो कोई भी सब्जेक्ट लोगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। BST आपके व्यवसाय से संबंधित नियम कायदे कानून बताती है। इको भी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अकाउंट से कुछ मेल खाता है अर्थशास्त्र के बारे में, या IPA तो कंप्यूटर के बारे में। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके बिना, लेखा शास्त्र के बिना हम कॉमर्स की कल्पना ही नहीं कर सकते। यानी हम बिना अकाउंट्स के कोई ये कहे हम अकाउंट्स नहीं पढ़ना चाहते लेकिन कॉमर्स लेंगे, तो ये संभव ही नहीं है, किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। ये इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि इसका उद्गम कैसे हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, लेकिन एक बहुत शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि इस युग में इंटरनेशनल व्यवसाय होता है, और इंटरनेशनल व्यवसाय जो होते हैं उनमें आपको बिल्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। आप सामान भेजोगे, लाओगे, ले जाओगे, खरीदोगे, बेचोगे, तो इनमें आजकल बिल देना जरूरी होता है। बिलों को के बारे में भी हम बताएंगे बहुत सारी चीज़ें। तो उसके लिए अपन को एक इंटरनेशनल भाषा, जिसको अपन बोलते हैं अंग्रेजी, अकाउंट्स में अंग्रेजी इंग्लिश जो होती है उसमें आपको लिखना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी इंग्लिश नहीं है कि आपकी कोई लिटरेचर वाली इंग्लिश हो या कोई आपकी इस टाइप की अंग्रेजी हो जैसे आपकी कंपलसरी इंग्लिश है, तो कंपलसरी इंग्लिश की तरह ही ये होती है। इसमें आपको केवल कॉमर्स से संबंधित शब्दावली को ही इंग्लिश में लिखना है, बाकी ऐसा नहीं है कि आपको इसको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, ऐसा कोई वो नहीं है। अकाउंट्स वगैरह बनते हैं वो सब इंग्लिश में बनते हैं, उसकी शब्दावली है। आपके पूरी अकाउंट्स में टोटल 11 से रैंक काउंट तक ज़्यादा से ज़्यादा 500 शब्द होंगे जो इंग्लिश के होते हैं। उन 500 शब्दों को आपकी ट्रिक विशेष हो जाती है। और जैसे अपने कैश है तो अपन वैसे भी कैश बोलते हैं सामान, वैसे उसको हिंदी में रोकड़ बोलते हैं, नकद नकद भी बोल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं शब्द हैं जो 500 शब्दों से ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए कई बच्चे क्या है कि इंग्लिश के वजह से इसको इतना डरते हैं कि तो पता नहीं इंग्लिश ही इंग्लिश में, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ भी इतना नहीं है इसमें, लेकिन मैथ है भी थोड़ा बहुत। आपको औसत याद करने पड़ते हैं, आपको मल्टीप्लाई गुणा करना पड़ता है, भाग देने पड़ते हैं, घटाने पड़ते हैं, जोड़ने पड़ते हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं है इसमें। इसमें कोई रेखा गणित नहीं है, इसमें कोई बीज गणित नहीं है, इसमें केवल अंक गणित आता है। और अंक गणित का मतलब आप समझते हो, जोड़ना, घटाना, भाग और क्या बोलते हैं डिवाइड वगैरह, ये जो गुणा, ये 4 चीज़ें होती हैं इसमें, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन लेखा शास्त्र का परिचय। ये लेखा शास्त्र है क्या? देखो, लेखा शास्त्र वास्तव में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको कोई नहीं पढ़ता है।
अपन घर पे भी अपने जो घर है यानी इसको एक जो घरेलू स्त्रियां होती हैं जो हाउस लेडी जो हाउस यानी हाउस वाइफ बोलते हैं जिनको अपन अंग्रेजी में घर की जो घरेलू स्त्रियां होती हैं वो भी अकाउंट्स का बहुत अच्छी तरह उपयोग करती हैं। क्या करती है, प्रतिदिन होने वाले खर्चों का वो लिखती नहीं लिखती है, महीने की पूरे महीने का कितना राशन आएगा, कितना रसोई का खर्च होगा, कितना गैस का होगा, कितना बिजली का बिल जाएगा, कितना पानी का बिल जाएगा, कितने अखबार के, ये सब चीज़ों का क्या है वो लिखते कि नहीं। बस वो जो लिखते हैं वो किसका वो बना रहे हैं, लेखा घर का लेखा। हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, व्यवसाय का लेखा करेंगे, कितने की वस्तु बिकी, कितने की खरीदी, कितना हमें लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, कितने खर्चे हुए, ये सब चीज़ें इसमें लिखी जाती है। तो इसका नाम जो है लेखा और शास्त्र, यानी लिखने का जो शास्त्र, शास्त्र का मतलब समझते हैं क्या होता है, यानी किसी चीज का विस्तृत ज्ञान, किसी चीज का विस्तृत, जैसे अपन कहते हैं ये भाई हमारे शास्त्र है, उन शास्त्रों में क्या होता है, उस किसी भी स्पेशल वस्तु का, किसी विशेष वस्तु का, किसी विशेष व्यक्ति का उसमें क्या होता है, गुणगान होता है, उसमें उसके बारे में पूरा परिचय होता है। तो इसमें लेखा और शास्त्र का मतलब होता है लेखाओं के से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनका हमें ज्ञान होना ही चाहिए, ये लेखा शास्त्र में होता है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब चीजें मैंने आपको एक 10 पृष्ठ का पीडीएफ भेजूंगा, क्योंकि इसको पढ़ने से पहले, मेरे समझाने से पहले आप उस पीडीएफ को भेजना, उसमें सभी चीजें हैं, 10 पृष्ठ का है, 10 पृष्ठ को आप उतार भी सकते हैं, नहीं भी उतारोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके पास रहेगा, और उसमें मेन मेन पॉइंट में इसमें लिखाऊंगा, बोर्ड पे भी लिखाऊंगा, लेकिन मैं वो पीडीएफ इसलिए भेज रहा हूँ तुमको, एक बार उसकी थ्योरिकल चीजें आप पढ़ लोगे, क्योंकि इसमें दो चैप्टर लगा था, पहला और दूसरा थ्योरिकल है, प्रैक्टिकल का इसमें दो चैप्टर तक बिल्कुल भी नहीं है, तीसरा चैप्टर अपना जो आएगा वो प्रैक्टिकल चालू होगा, उससे अपन को जनरल एंट्री पढ़नी पड़ेगी, तो अपना एक्चुअल में स्टार्ट जो होगा चैप्टर वो 3 से होगा, लेकिन ये 2 चैप्टर अपन को थ्योरिकल पढ़ना है। थ्योरिकल इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए आप उसको सबसे पहले जो मेरे 10 प्रश्न हैं उन 10 प्रश्नों को मैं आज ही पीडीएफ बना के भेज दूंगा, पहले उनको पढ़ना और फिर उनके एक एक पॉइंट को मैं तुमको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, समझूंगा, इसलिए तो ज़्यादा उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल उसकी रीडिंग करनी है, उसको याद रखना नहीं है, याद नहीं करना, केवल आपको उसके शब्दों को मैं जाना है कि भाई ये क्या लिखा है, नॉर्मल तरीके से आप उसकी एक बार रीडिंग कर लेना, जैसे ही फिर मैं उनको समझाऊंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि हाँ ये चीज़ हमने उसमें देखी थी, पढ़ाऊंगा उसकी पूरी रीड कराऊंगा उसको, ठीक है। तो बस इसका थोड़ा सा ये बाकी चीज़ें तो मैं पीडीएफ के बाद ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि नहीं मैं अगर पीडीएफ से पहले पढ़ाऊंगा तुम्हें तो तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं बैठेगा, इसलिए कल से पहले आज मैं पीडीएफ भेजूंगा, उसको पढ़ोगे फिर मैं कल समझाऊंगा उसको, ठीक है, ओके, बहुत एक रजिस्टर जरूर बना लेना, इसमें बड़ा रजिस्टर आता है, ये कॉपी नहीं चलेगी क्योंकि इसमें अपने लंबे पूरे खाते बनेंगे, 8-10 कॉलम बनते हैं उसमें, तो ये छोटी कॉपी काम नहीं देगी, बड़ा रजिस्टर है ये, आप अभी बना लो क्योंकि जब भी स्कूल खुलेंगे तब भी वही काम आ जाएगा, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके, ठीक है भाई।